हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है मेरा स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी मैं फिलहाल हूँ फरीदाबाद बाईपास, ये बजरपुर बॉर्डर की तरफ जो बाईपास जाता है फरीदाबाद से, तो उस बाईपास पर हूँ। और मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल कश्मीरी गेट, कुछ वहाँ मुझे काम है तो जाना पड़ रहा है। चलो, रास्ते में कुछ होता है तो आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। एक बार कैमरा करके आके दिखाऊं तुम्हें। मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, रोड चौड़ी हो रही है, इस तरफ रोड बन रही है और ये यहाँ पे वन वे बना रखा है। इसी रास्ते से, ये वही रास्ता है जहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनेगा, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए रास्ता। तो हो, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि अभी देखो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यारो, आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत तो मिलती है मोटिवेशन। जब कोई सब्सक्राइब नहीं करता, लाइक नहीं करता ना, तो यार बड़ा दिक्कत दुख होता है, क्या जाता है यार एक लाइक कर एक सब्सक्राइब में कर दिया करो। देखो इस साइड में काम चल रहा है सारा, है ना, आपको दिख रहा होगा, ये कैमरा फोकस उस पर कर देता है। देखो अब हम पहुंच गए हैं कालंदी कुंज, इस तरफ ये जमुना है और मैं जमुना के पुल पर हूँ और ये इधर जा रही है। पानी अभी रोका हुआ है जमुना का, ये देखो आंटी कैसे बैठी है, ये जाएगी ना हेलमेट में कुछ है, तीन सवारी हो रहा है। तो भाई तीन सवारी में चला करो भीड़ भाड़ में, कि ये लग लग जाएगी, दोस्त दूसरे की गलती का बोलते हैं विदाउट हेलमेट है। ये मेट्रो जा रही है भाई, देख रही होगा आपको तिरंगा सामने कितना अच्छा लग रहा है, देखो अपना फ्लैग कितना सुंदर लग रहा है ना। ये है अभी फिलहाल फ्लैग लगा हुआ है कहाँ, ग्रेटर नोएडा के अंदर, नहीं नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा नहीं, मयूर विहार के आसपास, अक्षरधाम के आसपास। मैं पहुंच गया हूँ अक्षरधाम के पास में, इस साइड में, इस साइड अक्षरधाम टेम्पल जो दिल्ली के अंदर है, बहुत सुंदर टेंपल है। कभी आऊँगा तो इसका भी व्लॉग बनाऊँगा, दिखा देता हूँ मैं कहाँ है। देखो हो रहा, देखो ये रहा अक्षरधाम, दिख रहा है ये सामने अक्षरधाम टेंपल, श्री नारायण भगवान का टेंपल है। देखो क्या होगा आपको, अब तो देख क्या होगा, है ना, इतना सुंदर, बहुत सुंदर टेंपल है। कभी आओ दिल्ली इसको ज़रूर देखे जाना। मैं पहुंच गया हूं कश्मीरी गेट और उतर रहा हूं बाहर, देखता हूं कुछ मिलता है यहां पे। मार्केट मार्केट ही है, और ये मैं बैक साइड में चल रहा हूं। बहुत पुराना चर्च है, इसकी चल रही है मॉडिफिकेशन, मरम्मत चल रही है दोबारा। मेरे पीछे जबकि चाय वाला सर बंदा आ रहा है मेरा भी। गाइस मैं गली में घूम रहा हूँ, यहाँ पर ना मुझे गाड़ियों की दुकान है, स्पेयर पार्ट की शॉप है, देखो पुरानी पुरानी बिल्डिंग है।
बहुत बहुत पुरानी है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 साल पुरानी इमारत है मेरे सामने। देखिए लकड़ी भी कॉलम, लकड़ी के कॉलम है। अब मैं जा रहा हूँ जहाँ मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है, मैं जा रहा हूँ अपनी यहाँ गाड़ी खड़ी है, स्पेयर पार्ट्स तो चिमटे कमाणी वाणी सब मिलते हैं। आओ कश्मीर गेट, हाँ बहुत बड़ी मार्केट है ऑटोमोबाइल की। अब लग रही है भूख, तो कुछ खा ले पी लेते हैं, ठीक है। देखता हूँ कभी कुछ मिला नहीं है, कुछ सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, देखता हूँ कुछ मिलता है तो। एक छोले वाला कुलचे वाला देखा दिया, इससे भी रहता है ये बनाना, एक प्लेट छोले कुलचे पूरी मार्केट मार्केट। दोस्तों अपना छोले कुलचे खा के अपना मैं आ गया हूँ जहाँ पे मेरी गाड़ी में काम हो रहा है। एक्चुअली मैं था गाड़ी में काम कराने, गाड़ी का टर्बो ख़राब हो गया था तो टर्बो चेंज कराना है। कश्मीरी गेट जहाँ पे एक जानकार हैं उनके थ्रू मैं आया हूँ, तो ताजी लगे हुए हैं खोल लें। तो जो कश्मीरी गेट है ना, इसमें जितनी भी सारी बिल्डिंगें हैं कम से कम एक एक बिल्डिंग 2-2 साल पुरानी है, 200-200 साल। ये देख दीवार है, ये 2 फीट की दीवार है, पूरी 2-2 फीट की मोटी दीवारें हैं। ये तो हमारा पुराना भारत। ये वो शॉप है टर्बोवा की जो कश्मीर गेट के अंदर है। इस शॉप कीपर भैया का नंबर मैं ऊपर डाल दूंगा, इसमें ही वीडियो के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कभी कोई काम हो टर्बोवा का यहाँ पे आ के करवा सकते हैं, बढ़िया काम करते हैं एकदम बढ़िया, ठीक है। ये दुकान तुम्हारी भैया? हाँ जी भैया। ये कौन सा एरिया है? चर्च के सामने कश्मीरी गेट बड़ा बाजार कहते हैं। बड़ा बाजार बाटा चौक। तो भैया कितने कितने के देते हैं शूज? शूज कितने कितने के हैं? शूज अलग अलग रेट के हैं, 350-400-500। चप्पल 200 की है, 250 की है। चलो क्या नाम भैया आपका? मेरा अजय कुमार। चलो डाल देता हूँ। क्या ना कौन सी जगह बता दी? बाटा चौक। हाँ कश्मीरी गेट बाटा चौक, ठीक। ये बंदर है। शाम के बज रहे हैं 6 और मुझे लगाई फिर दोबारा भूख, तो मैं खा गया हूँ गोलों पे खाने। ये हैं गोलों पे वाले भैया, और गोलों पे खाएंगे यहाँ, ठीक है। फिर मिलते हैं, खिलाओ यार। कश्मीरी गेट पे खा रहे हैं गोलों पे, बोले पे खा लेते हैं। खाते हैं, फोन पड़ा हुआ ना कैमरा। हो चुकी है रात, टाइम हो रहा कम से कम 7:30 और गाड़ी होगी रेडी। अब मैं निकल रहा हूँ कश्मीरी गेट से, उस गेट से बाहर जिस गेट में मैं घुसा था पहले। कैमरा गाड़ी सही कराई थी, ये बड़ी भीड़ है भाई यहाँ, बहुत भीड़ है। छोटी छोटी गलियाँ हैं और तंग गलियाँ, तो अपने टाइम पता नहीं राजा महाराजा कैसे बड़े बड़े रथ लेक घुस जाए करे इसमें। क्या तो पैसा ज़्यादा चोरी होंगे, हुक्म कर दिए गवर्नमेंट पब्लिक ने। ये कश्मीरी गेट का बस अड्डा है, मैं उसके नीचे कर जा रहे हैं। खिड़की खुल रही है गाड़ी की, कोशिश गाड़ी खिड़की बंद करूंगा मैं अभी। पता ना मुझे रास्ता, ना पता कैसे जाऊंगा, तो देख लूंगा पर पहुंच जाऊंगा। बड़ी भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। अरे यार केला लेना भूल गया, केला ले लो।
मुझे नहीं पता मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूँ, पर जिस रास्ते से आया था इतने कन्फर्म हूँ रास्ते से मैं नहीं जा रहा। मैं अक्षरधाम होते हुए सीधा लाल किला होते हुए कश्मीर गेट आया था। अब पता नहीं है कौन सा पुस्ता रोड पे आ गया हूँ, रात कहाँ से घुमा दिया जीपीएस ने। देखो वो चाहता है वो तो मेन हाईवे है, मतलब मेन रोड है गाजियाबाद नोएडा, वो नोएडा से डायरेक्ट अक्षरधाम होते हुए आ रहा है जो गीता कलोनी से, वहाँ से घूमते हैं। फिर एक बोर्ड आता है SBT का, ऐसा यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा रहा है। चलो देखते हैं कहाँ पहुँच जाता है। मैं घर आ चुका हूँ कश्मीर गेट से, गाड़ी वाड़ी खड़े कर दिए, कपड़े वड़े उतार दिए, अब मैं आ गया खाना, मैं खाना खा रहा हूँ। खाने में देख लो क्या है, देखना है। सिंपल सा खाना है, रोटी है, सलाद है और सब्जी है, बस ठीक है। कमेंट करके बताइए मेरा ये कश्मीरी गेट का व्लॉग कैसा लगा आपको, एंटरटेनिंग है या नहीं, कमेंट करके बताइए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, बाय।